एक 19 साल की लड़की के साथ रेप हो गया। रेप करने वालों को आप सब जानते हैं, वो किस कौम से आते हैं, किस जाति से आते हैं, ये सब भी आप जानते हैं। ये वीडियो मैंने बड़ी हिम्मत करके बनाया है। अगर कहीं मेरे शब्द लड़खड़ा जाए तो मुझे क्षमा करना। जिन्होंने भी ये काम किया है ना, वो इंसान नहीं। कभी कभी ऊपर वाले से गलती हो जाती है, वो इंसान के रूप में ऐसे लोगों को भेज देता है जो साले हराम के पिल्ले होते हैं। क्यों ये सब किया, क्या वजह थी, इस सब को छोड़ो। आपको एक सिंपल भाषा में मैं आपको एक चीज समझाता हूं। आपकी एक बहन है, सुबह वो अपने स्कूल या कॉलेज कहीं निकली घर से, और शाम के समय वो नहीं आई बल्कि उसकी लाश आपके घर आती, पूरी तरीके से जली हुई। और पास खड़े लोग बात कर रहे हैं कि कुछ कुत्तों ने, कुछ हरामियों ने इसके साथ रेप कर दिया और इसको जलाकर मारकर फेंक दिया। क्या आता है दिमाग में? दिमाग में ये चीज नहीं चलती कि अभी मुझे ये मिल जाए तो इन कुत्तों को बीच में से चीर के रख दूं। ये क्या कुछ लोगों के दिमाग में आता है, या जो समाज के ठेकेदार बनते हैं, जो समाज के सुधारक बनते हैं, आज वो कहां गए? मैं कुछ दिनों से इस चीज को वेट क्यों कर रहा था? आज 18 तारीख का केस है और मैं आज क्यों वीडियो बना रहा हूं 6-7 दिन बाद? क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि कोई बड़ा बयान मुझे सुनने को मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। समाज सुधारकों कहां छुप गए आप? समाज को सुधारने का ठेका लिया ना तुम लोगों ने, सुधारा समाज को? घंटा? मुझे शर्म आती है उस आदमी पे जो अपने पीछे बड़े शान से सिंह, फलाना, ढिमका, राजपूत, ये वो लगाते हैं और ऐसे काम करते हैं। तुम क्षत्रिय नहीं हो। क्षत्रिय का मतलब पता है तुम्हें? अरे जो नारी के सम्मान में अपने प्राण न्योछावर कर देना, वो क्षत्रिय होता है। एक नारी की इज्जत लूटने वाला कभी क्षत्रिय नहीं हो सकता। डीएनए चेक कराओ तुम्हारा, तुम क्षत्रिय नहीं हो। मैं तो आज ये सोच सोच के परेशान हूं, एक गुड़िया जैसी बच्ची आज संसार में नहीं है, उसकी माँ पर क्या बीत रही होगी, उसके बाप पर क्या बीत रही होगी, उसके भाई पर क्या बीत रही होगी? आप लोगों को पता है पिछले 5 सालों में हमारे देश में 2.5 लाख से ज्यादा रेप हो गए। लोग 8-8, 9-9 महीने की बच्ची के साथ रेप कर रहे हैं, मतलब उस ऐसे मतलब नाजुक से शरीर के साथ उसका। बस एक बात कहूंगा, सब मिलके इसके खिलाफ आवाज उठाओ। मौत से बढ़कर कोई अगर सजा हो वो देनी है इन लोगों को, इनको मारना नहीं। धीरे धीरे आधा शरीर आज काटा, आधा कल काटना है, आधा परसों काटना है। माफ करना।